हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स के साथ। इनके लिंक तुम्हें दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो काफ़ी इस पे डिमांड थी कि जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाओ, तो लो हम आ गए। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा क्या है, जनरल आइडिया यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे मैंने सारे तुम्हें दे रखा है कि कैडेनेशन और टेट्रा वैलेंसी होती है। ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, डबल हो। इसके बाद तुम्हारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें तुम्हें मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद तुम्हारा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें तुम्हारा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके बाद तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। फिर होमोलोगस सीरीज। इसके बाद तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स और नॉमेनक्लेचर। फिर हम आते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स पे। इसमें तुम्हारा सबसे पहला आता है अल्केन्स। अल्केन्स में हम कुछ पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे मैंने। फिर तुम्हारा एक अल्केन का कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं मीथेन। तो यहाँ पे मैंने मीथेन का प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है सारी। इसके बाद तुम्हारे यूजेस। उसके बाद दूसरा कंपाउंड आता है इथेन। इथेन के यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और ये तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद यूजेस। फिर तुम्हारी आ जाती है अल्कीन्स। अल्कीन्स में मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद तुम्हारा अल्कीन का कंपाउंड इथीन, इसका प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है तुम्हारा यूज़। उसके बाद अल्काइन्स, इसमें कुछ पॉइंट। उसके बाद तुम्हारा इथाइन। इथाइन के बाद तुम्हारा है इसका प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और तुम्हारे यूजेस। फिर अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में तुम्हारे ये कुछ पॉइंट। फिर तुम्हारा इसका अल्कोहल का जो कंपाउंड होता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसका तुम्हारा प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये मैंने यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद यूजेस। फिर आ जाता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कुछ पॉइंट। और ये तुम्हारा लास्ट कंपाउंड जो क्या है, एसिटिक एसिड। इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे तुम्हें दे रखी है केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म हुए नोट्स। तो इन्हें डाउनलोड करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी ऑल द बेस्ट।